हलीबा प्रत्येक वर्ष नए नए अखाड़े और इस मंच पर आते हैं रविंद्र भाई और अपने अपने तरीके से अपने अपने गीत अपनी कलम से पेश करते हैं, लेकिन वास्तव में जो बात होनी चाहिए वर्मा जी ने कलम चलाई है जैसी वैसी है, लेकिन आपके दिल तक पहुंच जाए तो मानना आप लोग। और मुल्ला जी मैं निवेदन करूंगा कि थोड़े यहां से खड़े होकर के यहां 2 मिनट के लिए तेरी मोहब्बत का शिकवा करूं तो मेरी मोहब्बत की तौहीन हो, भरी बज्म में तुझको रुसवा करूं ये मेरी मोहब्बत की तौहीन हो, तेरी बेवफाई का ये शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन ना हो। पतझड़ से लाया चुरा श्रद्धा के दो फूल, पावन हृदय से कीजिए मुल्ला जी इन्हें कबूल, ये पावन हृदय से कीजिए मुल्ला जी इन्हें कबूल। देखिए इस दुनिया में एक से बढ़कर एक पैसे वाला हुआ है, एक से बढ़कर एक पैसे वाला, और उनके भी संतान हैं जो अपने पिताजी की बरसी कराती हैं, बहुत संतान है ऐसी, लेकिन एक सहपुरुष के अंदर एक ऐसी मिसाल सुनिएगा। कहे ढेर कितने, कहे ढेर कितने धन के लगा के, कई ढेर कितने धन के लगा के परसी उनकी हर साल मनती नहीं है। यानी एक से बढ़कर एक पैसे वाला हुआ है इस दुनिया के अंदर, लेकिन मरवे के बाद नाम निशान न नाम लेवा न पाई देवा। गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? हाँ जी गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? लेकिन अगली लाइन आपके हृदय तक पहुंच जाए तो इस प्रांगण की तालियां बताएंगी कि मेरी लाइन में कितना दम है। हाँ साहब, गए खेल कितने ये दौलत लगा के परसी उनकी हर साल मनती नहीं है, करें सपने पूरे जो, करें सपने पूरे जो अपने पिता के, करें पूरे सपने जो अपने पिता के, हर मैया ऐसा लाल जलती नहीं, मनती नहीं है। लेकिन फिर से प्यार चाहूंगा, अरे करें सपने पूरे जो,
सपने पूरे जो अपने पिता के, देवो लाला जी करे सपने पूरे जो अपने पिता के, हर मैया ऐसा सफल कब होगा? जब आपकी आवाज, जब आपकी आवाज इस मंच तक आ जाएगी। हरी मनोज भैया, ऐसे गुलशन में कभी कभी खिलते, ऐसे पुत्र दुनिया में, ऐसे पुत्र दुनिया में नसीबों से, ऐसे पुत्र दुनिया में नसीबों से मिलते। देखिए ये सीन, अगर रशियाबाजी का मामला ही चेंज हो जाएगा, कुछ हम बदले और ये कुछ पब्लिक बदल जाए, इस बेटी के लिए पुनः एक बार जोरदार ताली बजाएं आप लोग, पुनः जोरदार ताली बजाएं। पहले भी आशीर्वाद आया और फिर से आशीर्वाद आया। पुत्र दुनिया में मिलते नहीं है। भैया गाने का रस निकाला जाए। फूल ऐसे गुलशन में, भुल्ला जी, फूल ऐसे गुलशन में कभी कभी खिलते, और न का आवाज यहां तक भेज देना, ऐसे पुत्र दुनिया में नसीबों से, अरे ऐसे पुत्र दुनिया में नसीबों से मिलते, खुश होती मैया ये पुत्र रतन पाके, खुश होती मैया ये, खुश होती मैया ये पुत्र रतन पाके, फलती है वो डाल, फलती है वो डाल, तनती नहीं है। देखिए बड़े भाई भोला चौहान जी रूपधनु बादनु से पधारे हैं, एक बार निवेदन है कि भैया जी के सम्मान में एक बार जोरदार ताली जाके बंधन करें आप लोग, जोरदार ताली जाके। मां साहब, खुश होती मैया ये पुत्र रतन पाके, फलती है वो डाल, तनती नहीं है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, करे सपने पूरे जो, करे सपने पूरे जो अपने पिता के, हर मैया ऐसा लाल की नहीं, अपने पिता के, हर मैया ऐसे अगली लाइन सुनिए छिंगा भैया, लाइन पे गौर करें। इनके साथ जनता, क्योंकि कोई व्यक्ति कितना ही पैसा वाला हो चाहकर कोई काम नहीं कर सकता है, कब तक? जब तक इस पब्लिक का सहयोग और प्यार नहीं हो। सुनिएगा, इनके साथ जनता नहीं ये अकेले, इनके साथ जनता नहीं ये अकेले, इनके साथ जनता नहीं ये अकेले, और मेरा गाना भी तभी वसूल होगा रविंद्र भाई, इस पब्लिक की आवाज पुनः इस मंच तक आएगी, क्योंकि जन्नत में बैठे आदरणीय स्वर्गीय की मुल्ला जी, उनको ये मालूम चल जाए कि हाँ
मुझे याद किया जा रहा है। सुने, इनके साथ जलता नहीं ये अकेले। और मुल्ला जी तुम तक आवाज पहुंच जाए इस पब्लिक की तो बड़े गौर से सुनना। अरे इनके साथ जलता नहीं ये अकेले, लगेंगे तुम्हारी मजारों पे। अरे लगेंगे तुम्हारी मजारों पे मेले। देखिए थोड़ी हल्की आवाज आई है, थोड़ी नेक थोड़ा सा मामला स्वर बढ़ जाए तो मुझे कुछ और फील होगा। इनके साथ जनता नहीं ये अकेले, लगेंगे तुम्हारी मजारों पे, लगेंगे तुम्हारी मजारों पे मेले। ललित भाई बनाते हैं जो कंकर, बनाते हैं जो कंकर पत्थर मिला के, बनाते हैं जो कंकर ये पत्थर मिला के, बनाते हैं कंकर जो पत्थर मिला के, वो दाल कपोड़े में छनती नहीं। बनाते हैं कंकर जो पत्थर मिला के, मेरा चल ले में चलती नहीं है। देखिए जिस सम्मान लायक ये जीतू नहीं है, वो सम्मान मुल्ला जी की तरफ से और पूरे सैपो क्षेत्रीय पब्लिक की तरफ से आया है। एक बार निवेदन है कि जोरदार ताली बजा के अपना सम्मान करें आप लोग, जोरदार ताली बजा के। हनुमान भैया अरे बनाते हैं कंकर जो पत्थर मिला के, अरे तेरा चलने में चलती नहीं है। गुरु करें सपने पूरे, करें सपने पूरे जो अपने पिता के, हर मैया ऐसा लाल जनती नहीं। समय का अभाव और अंतिम लाइन सुने आप लोग। देखिए प्रत्येक व्यक्ति हृदय से याद कर रहा है, लेकिन मैं भी कुछ अर्पित कर रहा हूं उनके लिए जो जन्नत में हमारे व्यक्ति मुल्ला जी बैठे हैं, उनके लिए क्या अर्पित कर रहा हूं सुनिए आप लोग। श्रद्धा सुमन एक बार पुनः इस बेटी के लिए अगले नंबर पर, क्योंकि बेटी बार बार आ रही है तो इसने दिल जीत लिया है। वास्तव में मेरा निवेदन है कि इस नंबर पर नहीं अगले नंबर पर वो गीत रखूंगा कि अभी 2 महीने पहले 3 महीने पहले वहां जाहिर बाबा के मंच पर कार्यक्रम हुआ, वहां भी एक मैंने गीत गाया था बेटी का। एक गीत नहीं जंगल खत्म कर दिया था, और कोशिश करूंगा कि इस जंगल में भी एक गीत ऐसा सुना के जाऊं कि आप लोग याद करो कोई जीतू शर्मा आया, कोई जीतू शर्मा। सुनिएगा श्रद्धा सुमन तुमको करता हूं अर्पित, श्रद्धा सुमन तुमको ये करता हूं अर्पित, के श्रद्धा सुमन तुमको ये करता हूं अर्पित। लेकिन कबीरा गुरु देवलाला जी ये लाइन सुनिए आप, ये जो लाइन आ रही है हम नो भैया, ये श्रद्धा सुमन तुमको ये करता हूं अर्पित, मेरा ये संग गीत तुमको समर्पित, ये मेरा ये संगीत तुमको समर्पित। गुरु कहने वाले जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन वास्तव में ओपी वर्मा जी की कलम बोल रही है। अरे ये मेरा ये संगीत तुमको समर्पित, ओपी वर्मा ने लिखी
गोपी वर्मा ने लिखी ये कविता सजा के, गोपी वर्मा ने लिखी ये कविता सजा के, ऐसी कविता हाले हाल बनती नहीं। ओपी वर्मा ने लिखी ये कविता बना के, बेटा बड़ी कसूर यही तो मामला है। ओपी वर्मा ने लिखी ये कविता सजा के, ऐसी कविता हालो हाल बनती नहीं। ओपी वर्मा ने लिखी कविता सजा के, ऐसी कविता हालो हाल बनती नहीं। करें सपने पूरे जो, करें सपने पूरे जो अपने पिता के, हर मैया ऐसा लाल जमती नहीं। दोस्तों अगर मेरे नंबर में आपको आनंद आया है तो एक बार ताली जाके प्यार दे दें आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।